अरे आना यार, आना आना आना, गिर गया। हाय हाय, दारू पिला दी आंटी ने। यार इतना खराब रास्ता कैसे है यहाँ पे? चढ़ाई नहीं भाई, ये क्या है बताऊँ, इसको बोल नहीं सकता। ये क्या है देख रहे हो आप, ये सामने अगर आपकी बाइक में थोड़ी सी भी कम पावर है ना, तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। भाई घर देखो, मैं तो खुश हो रहा हूँ इस जगह को देख के। सही रहा दीपांशु, थोड़ी दिक्कतें आई लेकिन फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। गांव का जो सेंटर होगा वहाँ पानी वानी पीऊँगा यार, प्यास लगी हुई है बहुत ज़्यादा तेज़। लोगों से बात करूँगा और उसके बाद फिर आगे की तरफ निकल जाऊँगा। भाई पानी होगा? हाँ तो भाइयों, मैं पहुँच चुका हूँ बोरपुंग गांव के अंदर और यहाँ पे मेरे को प्यास लगी हुई थी बहुत तेज़, भाई ने पानी पिला दिया। आपका नाम क्या दादा? मोसेस। थैंक यू भाई मोसेस, बहुत प्यास लग गई थी यार, बाइक को धक्का मारना पड़ा। और आगे तो रास्ता ठीक होगा ना थोड़ा सा? कितना टाइम लग जाएगा? तीन चार घंटा बता रहे हैं भाई और लग जाएंगे, तो अंधेरा होगा तब तक पहुंचूंगा मैं। जो बाकी ट्राइब, जैसे मैं दिमासा गांव में गया था वहाँ के घर थोड़े अलग हैं। कार्बी ट्राइब के अंदर जो मैं आपको बता रहा था कि लोग यहाँ पे बैम्बू के ऊपर मिट्टी चिपकाते हैं, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। बाकी और किसी ट्राइब के अंदर मैंने इस टाइप के घर देखे नहीं है। मैं सोच रहा था कि ड्रोन फ्लाई करूँ लेकिन अब लेट हो रहा हूँ, लेकिन भाई कह रहे हैं आप ड्रोन उड़ा लो, तो एक बार ड्रोन उड़ा के ही निकलूँगा आगे की तरफ। यहाँ पे लाइट वाइट नहीं है इस गाँव में? लाइट नहीं है। चलो एक बार मैं आपको इस गाँव को ड्रोन शॉट्स में दिखाता हूँ कि ये कैसा गाँव है, फिर आप इस गाँव की जो ब्यूटी वो ढंग से। बस यार अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, लेकिन आई होप आपको ड्रोन शॉट अच्छे लगे होंगे। चलो भाई कुरुवंश, कुरुवंश यार कुरुवंश। एक टाइम तो मुझे लग रहा था कि मैं बोरपुंग ही नहीं पहुँच पाऊँगा। जो पहले वाला गांव था ना वहाँ पे मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि आप नहीं जा पाओगे क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, छोड़ो कैंसिल कर दो। लेकिन फिर मैं यार इतनी जल्दी हार नहीं मानती, एक बार थोड़ा आगे चल के तो आएँ, अगर ख़राब होगा तो वापस चला जाऊंगा। लेकिन मेरी मेहनत रंग लाई। यहाँ पे सुपारी की खेती बड़ी धूमधाम से दिख रही है, बहुत ज़्यादा ही दिख रही है। चौकी लाके वो वाला रास्ता, ये नहीं जाएगा? नहीं, नहीं गलत रास्ता आ गया यार। कुरुवंश बात ही है ना यार, यहाँ पे गूगल मैप्स मैप्स कुछ काम नहीं करते, लोगों से पूछ पूछ के जाना पड़ेगा। चौकीला का, अरे यार कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। कुरुवंश वो पहली वाली दीदी से उन्होंने गलत रास्ता बता दिया यार, मेरे हिसाब से वो समझी ही नहीं कि मैं पूछ कह रहा हूँ, गलत तो क्यों ही बताएंगे यार। आई होप मैं सही जा रहा हूं यार।
एक बार देख के आ रहा हूँ मैं कितना पानी है। क्यों, अगर ज़्यादा पानी होगा तो क्रॉस हो गए नहीं यार। इतनी तो आराम से क्रॉस हो जाएगा यार। ये क्रॉस हो गया, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत बोरपुंग में ही बता रहे थे लोग। कर दी भाई क्रॉस, बेटे दाए खींच दे दीपांशु। हा 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 भाई, अंदर तक काया शीली होगी मेरी तो। अरे सर जी कैसे हो? चौकीला कितना दूर पड़ेगा यहाँ से? यहाँ से 25 किलोमीटर है। अब नदी नहीं है ना? नदी है लेकिन मिलेंग से पार हो। इसे पार हो जाएगा क्या? मिलेंग से वो बैम्बू का उसे पार हो जाएगा? कितना आगे में मिलेगा? 25 किलोमीटर जैसा होगा। अच्छा रोड अच्छा है क्या? थैंक यू कुरुवांशु, कुरुवांशु। ओके सर जी, बाय बाय। भाई इतनी ऑफ रोडिंग आज तक नहीं की थी मैंने, एक दिन में ही सारी कर ली आज तो। गांव इस एरिया के मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही प्यारे। ये वापस से गांव आ गया, प्यार हो गया मुझे इस जगह से। बाकी आज आपका भाई 2 या 3 बार गिर चुका है। भाई भाई स्वाद आ गया कती, एक नंबर। बच गया भाई। अभी एक गांव में और पहुंचा हूं मैं। गांव का क्या नाम क्या बताया? बोरलांगसो। बोरलांगसो, आपका ना क्या नाम है? आप, मेरा? हाँ रोशनन। रोशन, आप सब कार्बी हैं? ना रिंगमा है सब। रिंगमा नागा? हाँ नागा। चलो फिर ठीक है भाई, थैंक यू यार। भाई कितनी नदियाँ क्रॉस करनी पड़ेंगी आज मेरे को। नदी तो नहीं थी ये, छोटा मोटा स्ट्रीम था, नदी तो आगे आएगी। जैसे जैसे चौकीवाला पास में आता जा रहा है रास्ता थोड़ा अजीब सा ही हो रहा है। बीच में बड़ा प्यारा रास्ता आया था, ये देखिए भाई एक और गांव आ गया है। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी शांत टाइप लग रही हैं। नदी भी यहाँ पे मस्त है। अब एकदम वैली में चल रहा हूँ मैं। मस्त भाई, आज आज का दिन जिंदगी भर याद रखूँगा मैं। पर यार हर दिन ऐसे ही हो रहे हैं इस ट्रिप में। लीजिए भाई एक नदी की क्रॉसिंग और आ गई है, ये जो इतनी वो नहीं है। अभी आगे एक और कर ली है मेन, सेम जैसे वो पहले लास्ट वीडियो में आपने शायद देखा होगा ना, वो अंकल जी क्रॉस करवा रहे थे, सेम वैसा सही सिस्टम। अब ज़्यादा दूर नहीं बचा है यार, अंधेरा होने से पहले मैं इस रोड को छोड़ दूंगा। कैसे हो भाई? आगे वो नदी आएगा क्या अभी? हाँ। कितना दूर हो रहा है? और चौकी वाला कितना दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है ना। हाँ। कारबी? कारबी नहीं, असमी से। चलो ठीक है भाइयों, बाय बाय। अरे आना यार, आना आना आना, गिर गया। हाय हाय, अरे थैंक यू भाइयों। ये पंगा है भाई यहाँ पे। बोला बोला इतने में दम गिर गया मैं। वो तो भाई और थे, नहीं तो इस बाइक को उठाने में यार बहुत ज़ोर आता है, बहुत ज़्यादा भारी बाइक है। अरे टी गार्डन्स है यहाँ पे, तो क्यों ना
इस जगह का फ़ायदा उठाया जाए और ड्रोन शॉट फाइनल ले लिया जाए। मैंने ये डिसाइड किया था रास्ते में वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन यार इतना प्यारा इतनी मस्त लोकेशन, इधर रोड, बीच में नदी चल रही है, दोनों तरफ पहाड़, ये रूट खतरनाक है यार, बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेरे को। इससे मस्त एडवेंचर अगर आप आसाम में रहते हो ना नहीं कर सकते, आसाम में आते हो तो काजीरंगा से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं सभी को डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, स्पेशली बाइकर्स को, ग्रुप में आओ यार, मज़े आ जाएंगे आपको। अभी जस्ट मैंने ड्रोन फ्लाई की और यार पता नहीं इस फॉरेस्ट में से इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही है चिड़ियाओं की, और हमेशा ऐसे रहता है कि बड़ा प्यारा है सर जी, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेरे को। डाफलांग इस जगह का नाम है, यहाँ पे जियो का टावर आने वाला है और जिधर आपकी नज़र जाएगी ना उधर आपको एकदम घना जंगल दिखेगा, बीच में नदी, और क्या खतरनाक जगह है यार ये कार्बी की। चलता हूँ सर, नहीं मैं आगे अंधेरा हो जाएगा फिर। ठीक है, थैंक यू सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू भाई। चौकी वाला किधर होगा? ये नदी क्रॉस करना पड़ेगा, किधर से? अभी यहाँ पे जो ये नदी क्रॉस करवाने वाला सीन था मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो भाई साहब का बम्बू है, बम्बू वाला राफ्ट है, वो टूटा हुआ है, तो पीछे थोड़ा और जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर मुझे नदी क्रॉस करनी पड़ेगी भाई, पूरा वापस जाना पड़ेगा। इस रास्ते को मैं सोच रहा था जितना जल्दी बाय बोल दूँ उतना अच्छा है, लेकिन यहाँ तो पंगे हो रहे हैं भाई। तो भाई जो पीछे आपने देखा होगा वहाँ पे उन भाई साहब का बैम्बू टूटा हुआ था, तो मैं वापस से खिरांग बस्ती में आ गया हूँ और यहाँ पे थोड़ा नीचे जाके फिर से मुझे नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। ये रेंगमा नेगा का नागा नाग, रेंगमा नागा, ओके। मैं सर डिफू से आया था, शमी लांगसो से। हाँ, थैंक यू सर जी। ओके ओके, आप रेंगमा में थैंक यू कैसे बोलता है? चेना उचेना, थैंक यू सर। जा रहा हूँ यार, आई होप जल्दी से नदी क्रॉस हो जाए क्योंकि अंधेरा हो रहा है, बाद में मुश्किल होगा। ये देखिए ऐसे जाती है यहाँ पे नदी। तो भाई साहब एक नदी क्रॉसिंग और आ गया है, यहाँ से मैं नदी क्रॉस करूँगा। चले सर जी, इनको रखवा देंगे आप। अरे ये देखिए उधर से और भाई साहब वेट कर रहे हैं नदी क्रॉस करने के लिए। जाएगा ना? अरे भाई साहब डर लग रहा है मेरे को इस पे, बाइक रेफ्ट के ऊपर तो चढ़ा लिया। आपके देखा दे भाई साहब, अच्छा है ना? जाएगा एकदम, मस्त जा रहा है। कैसा है? मस्त। भाई यहाँ पे देख लो, ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ मैं। टिप्पी तो मैं डूबने वो हिपार में है। अच्छा ऊपर में ना, और ये कार भी है? आप कार भी है? कार भी, सब कार। अच्छा करो अंशु कर दूं। अब ये भाई साहब जाएंगे बाइक अपनी इधर चढ़ाएंगे। ओके भाई थैंक यू यार। एक साइकिल हो गई, एक भाई साहब हो गई, एक बाइक हो गई। बस भाई अब निकल रहा हूँ यहाँ से, नहीं और ज्यादा लेट हो जाऊंगा। इस साइड रास्ता सही है यार, उस साइड इतना सही नहीं था। नदी भी क्रॉस हो गई भाई, सब चीज़ें ठीक हो गई। और इधर तो यार बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को ये जगह, देखो चारों तरफ सुपारी के पेड़, बीच में यहाँ पे लोग रह रहे हैं,
चार दीवारी इधर बैम्बू की है, घर भी अच्छे हैं, रास्ता भी सही है, डेफिनेटली रिकमेंड, डेफिनेटली। सब हाईवे, फाइनली हाईवे के ऊपर चलने का मज़ा ही कुछ हो रहा है यार। आज लेनी देनी हो गई मेरी, लेकिन यही तो एक एडवेंचर है यार, तो ठीक है, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस सच में भाई। आज जहां मुझे रुकना था मैं वहां पहुंच गया हूं, गोला घाट, लेकिन यहां पहुंचते ही बारिश और आने लग गई। ये गेस्ट हाउस मुझे एयरबीएनबी, अरे बाप रे, टी गार्डन में रुक रहा हूँ आज मैं, कल सुबह आप मस्त चीज़ देखोगे। भाई मेरी हालत खस्ता हो चुकी है आज, बहुत ज़्यादा गंदी, बदन हर जगह से दुख रहा है, जूते और जुराब बुरी तरीके से गीले हो चुके हैं, और अब आसाम के मैं गोला घाट में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे आज एक एयरबीएनबी के थ्रू मुझे रूम मिल गया था, काफ़ी अच्छा रूम है। इस रूम की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोग भी गोला घाट में आते हो तो इस जगह पर रुक सकते हो। यहाँ के जो भाई हैं काफ़ी मस्त हैं। गोलाघाट टी रिजोर्ट, ये है भाई का पैम्फलेट। सच में डिस्कवर हो रहा है ना इंडिया, नेक्स्ट लेवल सीन है यार, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। तीन या चार बार तो मैं आज बाइक से गिरा हूँ, लेकिन पैनियर और आगे वाला जो लगवा रखा था उसके कारण मुझे इतनी सी भी चोट नहीं आई, लेकिन बाइक को उठाने में बहुत ज़्यादा जोर आ रहा था यार। दो बार गिरते गिरते बचा, एंड दो बार मैंने उस बैम्बू के राफ्ट के ऊपर नाव क्रॉस, नदी क्रॉस की, तो नेक्स्ट लेवल स्टफ भाई। अभी नहा के जस्ट फ्रेश हुआ, और जो मेरे एयरबीएनबी के होस्ट हैं वो काफ़ी मस्त बंदे हैं, उन्होंने मेरे लिए यहाँ पे आग जला दी, और मैं जो अपने जूते गीले हो गए थे उनको सुखा रहा हूँ अभी इधर। ये देखिए, दोनों में से मस्त भाप निकल रही हैं, उस वाले में से भी और इस वाले में से भी। और अब मेरी नेक्स्ट मंजिल होगी, पता नहीं, शायद डिब्रूगढ़ की तरफ जाऊँगा मैं। रास्ते में कल मुझे शिव सागर को भी एक्सप्लोर कर लें थोड़ी देर के लिए, एंड फिर आगे डिब्रूगढ़ की तरफ। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जो दो वीडियोस थी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होंगी, और आपने आसाम की एक डिफरेंट ब्यूटी देखी होगी, और मैं सच में स्पेशली कार्बी आंगलोंग और बाकी आसाम के जितने भी जो लोग टूरिज़्म में काम करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यार कार्बी की इस जो इनर ब्यूटी है उसके ऊपर फोकस करिए, और वहाँ पर ऐसी ऐसी जगह हैं कि मैं क्या बताऊँ यार, सच में अगर ढंग से ध्यान दिया जाए ना वो बाली जैसी जगह बन सकती हैं। बस बीच नहीं होंगे, लेकिन राइस फील्ड, फॉरेस्ट, और मस्त यार, एकदम बहुत प्यारा। बस यार, बाकी जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय।